तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के अंदर अगले थ्योरम के बारे में, जिसका नाम है ग्रीन्स थ्योरम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम को डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अगर मैं थ्योरम की बात करूँ तो इसमें कह रहा है कि फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड साई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा डेल साई बाई डेल वाई एंड डेल फाई बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल एक्स बी द कंटिन्यूस फंक्शन ओवर अ रीजन आर बाउंडेड बाई द सिंपल क्लोज कर्व सी इन द प्लेन ऑफ एक्स एंड वाई प्लेन। यानी इस प्रकार का स्टेटमेंट अगर आपके सामने कुछ दिया रहेगा तो उसका जो बेसिकली फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ समेसन ऑफ सी फाई ऑफ डेल डी एक्स प्लस साई ऑफ डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपका आर होगा, डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई एंड डेल डी एक्स डी वाई। इस प्रकार से क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंटेट करेंगे। अगर मैं इसके नोट की बात करूं तो नोट में यहाँ पे आपका कह रहा है कि ग्रीन्स थ्योरम इन द वेक्टर फॉर्म, यानी ग्रीन्स थ्योरम को हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे एफ वेक्टर डी आर दिया हुआ है, तो इसके लिए डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर डेल क्रॉस वी डेल वी डेल क्रॉस एफ वेक्टर एंड के कैप, के कैप यानी मैग्नीट्यूड ऑफ के आपका जो दिया रहेगा उसका हम लोग निकालेंगे, और यहाँ पे डी आर, जहाँ पे आपका एफ क्या है फाई, यहाँ पे आपका एफ है, ये आपका आर हो गया एंड के इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस एंड डी आर इज इक्वल टू डी एक्स एंड डी वाई। क्लियर, यहाँ पे सारे वैल्यूज़ आपके क्लियर दिए हुए हैं। आप इन पूरे स्टेटमेंट को एक बार लिख लीजिए, देख लीजिए सही तरीके से, और डायरेक्टली एग्जांपल पे हम आते हैं। एग्जांपल कह रहा है कि यूजिंग द ग्रीन्स थ्योरम इवेलुएट द इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज़ द बाउंड्री डिजायर्ड काउंटर क्लॉक वाइज ऑफ द ट्रेंगल विद द वर्टेसेस 0, 0, 1, 0 एंड 1, 1। यानी इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली अगर मैं ग्रीन्स थ्योरम की बात करूँ तो ग्रीन्स थ्योरम का बेसिकली जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो आपका ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। अब चूंकि हमें पता है कि जो आपका मैट्रिक्स दिया, जो आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है इस फॉर्मेट के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की मैं अगर कोशिश करूँ तो यहाँ से आपका ये सॉल्व होगा। आर का वैल्यू आपका सबसे पहला 0, 1, 2, 0 दिया हुआ है, यानी लोअर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट 1। तो इसको हमने क्या किया, इसमें पुट किया, एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपके सामने फॉर्मेट बनेगा, और जो आपका वैल्यू आएगा कुछ इस प्रकार का वैल्यू आएगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, एक डायग्राम भी आपको बनेगा, तो इस डायग्राम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि यूजिंग द ग्रीन्स थ्योरम टू एवेलुएट द इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम आपका दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम वी अप्लाई द फॉर्मूला एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस इंटीग्रेशन देन वी इवेलुएट द वैल्यू। यानी इस वैल्यू को इवेलुएट करने के बाद जो आपका लिमिट दिया हुआ है वो प्लस वन माइनस वन और वाई के लिए भी और एक्स के लिए भी दिया हुआ है, तो दोनों इंटीग्रेशन के वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया। अब पुट करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको इंटीग्रेशन पुट करना आना चाहिए, बेसिक सा कंसेप्ट है, क्लास 12 में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो यहाँ से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए एग्जामिनेशन का भी काम हो जाएगा और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हुआ यहाँ पर पूरा कंसेप्ट आपका, तो आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।